छत्तीसगढ़ का खैरागढ़ वन मंडल अवैध कब्जा करने वालों पर सख्त हो चुका है। वन मंडल द्वारा अवैध कब्जा करने वालों पर शिकंजा कसा जा रहा है। आपको बता दें कि गंडई वैन परिक्षेत्र में अवैध खनन करते समय जेसीबी वाहन को जब्त किया गया है। बता दें कि वन परिक्षेत्र गंडई में कृषक संतोष ध्रुवे निवासी खैरबना ने अपनी निजी संपत्ति के समीप स्थित वन भूमि में जेसीबी से खुदाई करवा दी। इसकी जानकारी मिलने पर वन अमला मौके पर पहुंचा। जब उससे खुदाई के संबंध में कागजात एवं जमीन संबंधित कागजात की जानकारी मांगी गई तो वह असमर्थ रहा। वैध कागजात ना मिलने के कारण जेसीबी को जब्त कर लिया गया है। वन परिक्षेत्र अधिकारी HN ठाकुर ने बताया कि आरोपी ने अवैध रूप से मिट्टी खुदाई कर खेत बना लिया है। उनके द्वारा जेसीबी मशीन के माध्यम से खुदाई कराई गई। मौके पर वन विभाग की टीम के द्वारा पूछताछ की गई है। खुदाई के संबंध में उनके द्वारा किसी प्रकार के वैध कागजात प्रस्तुत नहीं किए गए। तत्पश्चात जेसीबी को जब्त कर कार्रवाई की जा रही है। जेसीबी मशीन का मालिक BR सिन्हा ग्राम नर्मदा का निवासी है। उन्होंने बताया कि आरोपी एवं वाहन मालिक से बयान लिया जा रहा है, जिसके पश्चात उपवन अधिकारी को कार्यवाही के लिए प्रकरण सौंपा जाएगा। गंडई पंडरिया से संवाददाता राशिद जमाल सिद्दीकी की रिपोर्ट। खैरागढ़ वन मंडल के अंतर्गत गंडई परिक्षेत्र में दिनांक 12/12/2020 को कक्ष क्रमांक 10-11 के बाउंड्री पर अपनी निजी लगानी जमीन में संतोष कुमार ध्रुवे पिता सदाराम ध्रुवे द्वारा अवैध रूप से मिट्टी खुदाई कर खेत बना रहा था। उनके द्वारा वन क्षेत्र के कक्ष क्रमांक 10-11 में जेसीबी मशीन से खुदाई कर रहा था और वन विभाग की टीम द्वारा मौके पर जाकर वन विभाग द्वारा कागजात के संबंध में पूछताछ की गई। पूछताछ में उनके द्वारा खुदाई के संबंध में किसी प्रकार के वैध कागजात नहीं पाया गया। तत्पश्चात जेसीबी को जब्त कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। जेसीबी मशीन वाहन मालिक BR सिन्हा ग्राम नर्मदा का है। बताइए कि ये जो अवैध खनन कर रहे थे, इसके बारे में ये सुनाई दिया है कि वहाँ की जो मिट्टी खोद के वो अपने खेत से मिलाना चाह रहा था जो वन भूमि है उसको। हाँ, उसका लगानी जमीन था, उसको जो है ना वन जो अपना कक्ष क्रमांक 10-11 में मिला के थोड़ा उसका विस्तृत रूप करना चाह रहे थे, बढ़ा रहे थे, इसलिए बढ़ा के अपने खेत से मिलाना चाह रहा था, मतलब उस खेत को बना रहा था। उस मामले में आपने जब्ती किया है, आगे क्या कार्रवाई की जाएगी? जैसे कि आगे कार्रवाई हम प्रकरण बना के जो मुजरिम से वाहन मालिक से उसका बयान दर्ज करके इसको जो है उपवन अधिकारी को कार्रवाई के लिए आगे के लिए सौंप दिया जाएगा। नाम पर बताए HN ठाकुर वन प्रक्षेत्र अधिकारी गंडई। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.